हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन एजुकेशन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। आज की क्लास में हम इसी में जो अभी लास्ट क्लास में हमने ये बॉक्स बनाया तो पायरेट्स टाइप वाला, इसमें जैसे गोल्ड या कुछ भी अंदर में फिल करना। अभी हमारा बॉक्स जो है ये अंदर से खाली है, तो इसी में कुछ अगर फिल करना है तो इसके अंदर हम कैसे फिल करेंगे, इसमें गोल्ड वगैरह ऐसा फिल कुछ कैसे दिखाएंगे, सॉफ्ट सिलेक्शन वगैरह का कैसे यूज करेंगे, इन चीज़ों को आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये बॉक्स बनाया था ट्रेजर वाला, तो इसमें अभी बेसिक हम सिखला रहे हैं। बेसिक प्ले 2021 का प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 2021 के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, टूल्स वगैरह नए पता चलते हैं, एंड बाकी आपको बेसिक मॉडल्स बनाना कैसे बनाना है, कैसे काम करना है, इसको हम 21 का क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि अभी मैं बता रहा था, उसके लिए आपको कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे जाओगे, बॉक्स है, प्लेन है, सब कुछ है। तो यहाँ से अभी तक हमने बॉक्स का यूज कर रहे थे, आज हम पहली बार प्लेन करेंगे। प्लेन जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर से जैसे कि डायरेक्ट यहाँ पे मैंने टाइप करके जो भी साइज चाहिए क्रिएट करोगे, यहाँ ऑटोमेटिक बन के, जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो जो साइज था उसके अकॉर्डिंग प्लेन बन के आ गया। आप चाहो तो जैसा कि हमने बताया भी है, मैन्युअली भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अगर जाओ, ये आपका बॉक्स है, आपने आपका ये बॉक्स है। अभी आप टॉप पे आ रखे हो, अल्ट डब्ल्यू मैं बार बार ऐसा करने के लिए यूज कर रहा हूँ शॉर्टकट। अभी मैं टॉप पे हूँ, टॉप पे आने के बाद मुझे प्लेन चाहिए, मैं ये हमारा पार्ट है, अभी मैं प्लेन चाहिए तो इस पे है, यहाँ तक ऐसा कुछ आ रहा है, प्लेन पे जाऊंगा और ऐसा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। लो जी, ऐसा कुछ मैंने ड्रॉप करके प्लेन बना लिया, नीचे जाऊंगा तो ये मेरे प्लेन बन चुका है। ऐसा कुछ मैं ऊपर करूंगा, ये आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे एज से अंदर अंदर रखना है, मैं मैन्युअली भी ऐसा कुछ क्लिक करके इसे कर सकता हूँ। तो ये हो गया, यहाँ मैं मूव करके चाहूँ थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ सेट कर सकता हूँ और इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये रहा, अभी आपको इसमें सेगमेंट वगैरह नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा कुछ F4 से आपको इस पे ऐसा कुछ दिखने लगेगा। आपको इसमें ज़्यादा करना है सेगमेंट, यहाँ पे आपको लेंथ 4 है, अभी 4 है, जितना ज़्यादा मैनुअली ऐसा कुछ आप ज़्यादा कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपको किस तरह से करना है। अभी जैसा कि यहाँ पे 22 है, यहाँ पे अगर मैं 40 चाहूँ, जैसा कुछ 40 दे देता हूँ, यहाँ पे चाहूँ 60 दे देता हूँ ताकि स्क्वायर जैसा हो, अभी लगभग स्क्वायर जैसा ये बन गया है। तो ये चीज़ ऐसा कुछ थोड़ा सा इसे आपको नीचे रखना है, नीचे रख सकते हो, ये चीज़ ऐसा कुछ करके आप इसमें इसको फिल कर सकते हो, इसमें दिखा सकते हो कि काफ़ी सारे गोल्ड आइटम्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये है, अभी इस पे और कैसे हम इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन का यूज करना होगा और इसे प्लेन को पहले आपको कन्वर्ट करना होगा पॉली में, जब जैसा कि हम करते भी हैं। तो पहले तो आप यहाँ प्लेन को सेलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू में जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एडिटेबल पॉली शो कर रहा है। और अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको एज के थ्रू स्मूथ करना है, वर्टेक्स के थ्रू, जैसे अभी लास्ट में हमने अभी पॉलीगन के थ्रू स्मूथ कैसे यूज करना है स्मूथिंग का मैंने बताया भी था, आज हम वर्टेक्स पे काम करते हैं। तो आज हम चलेंगे वर्टेक्स पे, पॉलीगन के थ्रू मैंने ये आपको यहाँ पे इनको स्मूथ करने का बताया था, बॉक्स के कवर को, ऊपर के ढक्कन को। तो आज हम चलेंगे, आज हम पॉली पे में वर्टेक्स को कैसे यूज करना है स्मूथिंग के लिए। अब जैसे यहाँ पे है, अभी जो सिलेक्शन के लिए हम ऐसा कुछ स्क्वायर का स्क्वायर यूज कर रहे हैं, ये रहा, तो हम ऐसा कुछ स्क्वायर से सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ तो स्क्वायर में ही सिलेक्शन होगा। बट अभी आपको राउंड में थोड़ा सा, जैसे इतना राउंड सा पार्ट मुझे सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ सिलेक्शन पे जाना होगा, ये रहा आपका सिलेक्शन एरिया। अब इसमें जाकर के आपको डिसाइड करना होगा कौन सा, तो यहाँ पे आपको स्प्रे वाला ज्यादा बेटर रहेगा, स्प्रे वाले से आपको मिलेगा ये होगा ये कि आप ऐसा कुछ स्प्रे करके, देख रहे हो, ऐसा कुछ स्प्रे करके आप सिलेक्शन को कर सकते हो। अभी फिर आप ऐसा कुछ अभी अगर आपका क्लिक वर्टेक्स पे ऐसे हो जाता है तो फिर स्प्रे नहीं होगा, जैसे मैं स्प्रे करने जा रहा हूं बट ये वर्टेक्स पे क्लिक हो गया तो वो मूव होने लगा वर्टेक्स, बट आपको स्प्रे करते अब यहां पे क्लिक करके और ऐसा करूं स्प्रे इतना हो गया, तो आपको यहाँ पे भी जैसे अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, तो आप वर्टेक्स में आपको ध्यान रखना है किसी वर्टेक्स पे ना जाए, यहाँ सेंटर में आप रखो और स्प्रे चालू कर दो, ऐसा कुछ स्प्रे होना चालू हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ऐसा रखता हूँ, अंडू करता हूँ और देखो अभी ये कर्सर देखो कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जब सेंटर में ले गया तो कर्सर कैसा दिख रहा है, अब ऐसा होना चाहिए जैसा अभी दिख रहा है।
इसके बाद क्लिक करो लेफ्ट क्लिक एंड ऐसा कुछ स्प्रे करना चालू कर दो। अब देखो मैं स्प्रे करके मुझे जिस पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना है, जितने पार्ट पे मुझे काम करना है, उसको मैं ऐसा कुछ स्प्रे करके काम करना चालू कर लूंगा। ये रहा, अभी मैं, आप देख सकते हो ऐसा कुछ स्प्रे कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप स्प्रे करोगे ऐसा कुछ। चलिए स्प्रे कर लेता हूं मैं पहले। ये रहा मेरा स्प्रे कर इतना सिलेक्शन जो कि मुझे काम करना है, मुझे दिखाना है थोड़ा सा। अभी इसी में आपको डिसेलेक्ट करना है, तो मैं इतना एरिया जैसे मुझे डिसेलेक्ट करना है तो अल्ट के साथ सिलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन डिसेलेक्ट करना हो तो आप अल्ट के साथ यूज कर सकते हो। जैसा कि फिर से मैं सिलेक्शन ले रहा हूं, दोबारा फिर से मैंने स्टार्ट किया सिलेक्शन लेना। ये देखो अभी मैंने ऐसा कुछ सिलेक्शन लिया, बीच में कुछ छूट रहा है तो ऐसा कुछ ये रहा मेरा। एंड ऐसे ही कर रहा हूं मैं, अभी सिलेक्शन ले रहा हूं, कहीं कहीं पे आप देख सकते हो ये ब्लू ऐसा कुछ छूटा हुआ है, रेड कलर का जो डॉट है, जो वर्टेक्स है वो सिलेक्शन है, बाकी डिसेलेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रखा, डिसेलेक्ट है। अभी मुझे इसी में सिलेक्शन के साथ साथ डिसेलेक्ट करना चालू करना है, मैंने बस अल्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो लेफ्ट क्लिक और इसी में यहाँ पे अल्ट ऐड हो जाएगा। अभी अल्ट ऐड हो गया तो मैं सिलेक्शन डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ इतना मुझे यहाँ सिलेक्शन नहीं चाहिए तो मैं हटा रहा हूँ। ये देखो ऐसा कुछ मैं सिलेक्शन हटा रहा हूँ, तो मुझे इतना एरिया सिलेक्शन फिर से ये सिलेक्शन लेने लगा। चलिए डिसेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने डिसेलेक्ट कर दिया, अब मुझे इतना सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, मैंने सिलेक्शन ले लिया, अब मैं छोड़ देता हूँ। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना एरिया आपने सिलेक्शन में लिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, वैसे आप अभी इसे उठाओगे ऐसा कुछ ये आएगा जो कि देखने में भी बहुत अजीब लगेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा सिलेक्शन कहीं कहीं गलत चला गया है, तो उसको आप चाहो तो ठीक कर सकते हो। जिसे ये रहा बाकी का आपका ये एरिया है, अब हमें इस पे काम करना है। तो अभी हमें थोड़ा सा स्मूथिंग ऑन करना होगा इस पे, जैसा कि एडिबल पॉली, इसमें हम नीचे जाएंगे। जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको स्मूथ में जाना है, स्मूथिंग ऑप्शन में। ये रहा सॉफ्ट सिलेक्शन, ये रहा आपको अभी सॉफ्ट सिलेक्शन में जाना है, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन ऐसा कुछ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, और उससे भी पहले आपको मैं बताऊंगा कि इसे अल्ट क्यू ऐसा कुछ अल्ट क्यू करके सिंगल, ताकि आप जो भी इस पे करो ये दिखे, तो इसके लिए आप यहां से ये कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आप आइसोलेशन सिलेक्शन कंट्रोल क्यू, जो मैंने अभी अल्ट क्यू मैंने बताया, वो यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप माउस से ऐसा कुछ कर सकते हो आइसोलेशन में ले जाना। तो आइसोलेशन सिलेक्शन आपको आइसोलेशन में अभी ये आ गया, अभी फिर से आप यहाँ कर्सर ले जाते हो आइसोलेट सिलेक्शन, आइसोलेट मैंने कर दिया इसे, ये बाहर आ गया। अब मैं इसे पे जो भी काम करना है एडिट करके कंप्लीट करने के बाद, जैसे ही अल्ट क्यू फिर से करूंगा तो ये इस तरह से अल्ट क्यू आपको यहाँ से, सॉरी मैं इस पर अगर क्लिक करूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, अल्ट क्यू फिर से एंड ये ऐसा कुछ। तो अल्ट क्यू कर मैंने, अब इस पे काम करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि अभी मैंने बताया यूज सॉफ्ट सिलेक्शन, ये देखो यूज सॉफ्ट सिलेक्शन अगर आपको पता हो तो, जैसे ही मैंने किया ये आपका ऐसा कुछ दिख रहा है। फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा इसे और डिसेलेक्ट करता हूँ, टॉप पे आता हूँ और इसे मुझे थोड़ा सा और डिसेलेक्ट करना है। अल्ट मैंने क्लिक कर दिया है और थोड़ा सा मैंने स्प्रे ले लेता हूँ, स्प्रे करके थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ हटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं साइड में और ज्यादा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको वो चीज दिखे। तो इस तरह से मैंने डिसेलेक्ट कर दिया, फिर से जाता हूँ यहाँ पे एंड यूज सॉफ्ट सिलेक्शन। अब आप देख सकते हो अभी रेड वाला एरिया है, देन ऑरेंज है, देन येलो ग्रीन और देन ब्लू होता जा रहा है। ये है कि आप जैसे इसे मतलब ऊपर करोगे तो ये स्मूथली ऊपर की तरफ ऐसा कुछ जाएगा। अभी जैसे ही मैं इसे ऊपर करूं, अभी पहले क्या था कि हार्ड जा रहा था, लेकिन अब ये ऐसा स्मूथली स्मूथ तरीके से ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ ऊपर नीचे आप स्मूथली कर सकते हो इसे। तो ये चीज है, अभी भी आप इसे चाहो डिसेलेक्ट करना हो, आप ऐसा कुछ इसमें डिसेलेक्ट करना है तो आप अभी डिसेलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है, तो कुछ नहीं है, आप अभी भी यहाँ इस रेड वाले पे काम करोगे, जो अंदर का रेड वाला है, अंदर वाले को रेड को आप डिसेलेक्ट करते जाओगे तो उस हिसाब से ये अंदर की तरफ जाएगा। देखो ताकि बाहर का एरिया हार्ड रहे, तो उसके लिए आपको ऐसा कुछ डिसेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं फिलहाल अभी कर रहा हूँ। इधर भी थोड़ा सा डिसेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ भी, इधर भी मुझे डिसेलेक्ट करना है,
ये देखो इस तरह से मैंने डिसेलेक्ट कर दिया। अब मैं फिर से जब इसे ऊपर ऐसा उठाऊंगा तो ये आप देखोगे स्मूथली स्मूथ वो जा रहा है। अभी इसी में एक तरीका तो है आपको यूज सॉफ्ट सिलेक्शन का, दूसरा है आपको इसी में आप नीचे जाओ एज डिस्टेंस ये ऐसा कुछ क्लिक करोगे। अब इसमें आप मैनुअली 1, 2, 3 अभी ये बहुत हार्ड आएगा अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं, थोड़ा सा सॉफ्टनेस है क्योंकि रेड के पास थोड़ा सा सिर्फ ऑरेंज डॉट आ रहा है तो उतना ज्यादा आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन इसी को आप अगर यहाँ से इसको नंबर्स अगर बढ़ाते जाते हो तो ये इस तरह से जैसे कि यूज सॉफ्ट सिलेक्शन में आ रहा था ये ऐसा कुछ बन जाएगा इसमें। बाकी आप इसको ऐसा कुछ 1, 2, 3, 21 जितना आपको रखना है रख सकते हो, पिंच है पिंच के थ्रू आप इसको ज्यादा कम कैसा रखना है वो डिसाइड कर सकते हो, बबल के थ्रू भी आप कम कितना रखना है जैसे अभी रेडनेस मैंने ज्यादा बढ़ा दिया सीधा ऐसा कुछ कर दिया तो ये सब बबल के थ्रू है, और फॉलो अप है कितना ज्यादा कम बेशी करना है ये सब आप यूज कर सकते हो। फिलहाल इसे मैं हटा देता हूँ। इफेक्ट बैकग्राउंड है तो आपको बैकग्राउंड पे कैसा दिखना चाहिए ये सब फिलहाल इसे हटाते हैं और हम इसे थोड़ा सा ऐसा कुछ जो कि हमें दिखाना है हम ऐसा कुछ करते हैं, ये रहा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ इसको आपको ज्यादा करना है ऐसा कुछ आप ज्यादा भी कर सकते हो। अब इसमें आपको लगता है यार थोड़ा सा यहां में अगर डिसलेक्ट करना है कहीं कहीं पे ऐसा कुछ देन ऊपर करना है ऐसा, तो देखो इसमें ये ऐसे गड्ढे से भरने लगेंगे। तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हो और इसको ऐसा कुछ अब बीच में थोड़ा सा इस तरह का आ रहा है। अब और भी ज्यादा अब जैसे यहाँ पे ये प्लेन है अब और ज्यादा इसको आपको काम करना है पूरे को ऐसा कुछ बाहर क्लिक करो पूरे को ऐसा कुछ आप यहाँ पे जाओगे सेलेक्शन पे सॉरी सेलेक्शन पे जाकर ऐसा कुछ स्क्वायर पूरे को सेलेक्ट करोगे, बाकी बाहर का एरिया आप ऐसा कुछ चाहो डिसलेक्ट कर दोगे। ये बाहर का जो ऑरेंज हो रहा है उसे मैं ऐसा कुछ डिसलेक्ट कर रहा हूँ अल्ट क्लिक करके, अल्ट और लेफ्ट क्लिक करके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अल्ट को होल्ड करके रखा हूँ और देन क्लिक कर रहा हूँ ऐसा कुछ, ये सारा कुछ डिसलेक्ट हो गया जो बाहर का ऑरेंज वाला है। और देन मैं अभी सॉफ्ट करूंगा जो इसके बीच में जो यहाँ ये यहाँ प्लेन जा रहा है देन ऐसा कुछ ऊपर जा रहा है इस चीज को मैं थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे ज्योमेट्री ऑल पे आओगे और रिलैक्स, तो इसको आप रिलैक्स करोगे तो देखोगे आप ध्यान दोगे यहाँ पे ये कैसा होगा। तो यहाँ पे आओगे एंड देन देखो देखो आप ध्यान से मैं अभी रिलैक्स कर रहा हूँ, जितना ज्यादा आप रिलैक्स करोगे रिलैक्स सेटिंग यहाँ पे इसके सेटिंग में जाने के लिए ऐसा कुछ रिलैक्स सेटिंग, तो यहाँ पे ये आपका सेटिंग है। बाकी आप मैनुअली भी ओके कर दो और यहाँ पे क्लिक करते जाओ। अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल जो यहाँ प्लेन ऐसे जाकर देन जा रहा था ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता जा रहा है, तो और भी ज्यादा आप रिलैक्स कर दो ये देखो अब ये बिल्कुल ही मतलब परफेक्ट सा आपको लगेगा ऐसा कुछ की। तो और ज्यादा आपको करना है थोड़ा सा अंडू करूं मैं सिलेक्शन फिर से वैसा कुछ आ गया, फिर से आप जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद रिलैक्स जितना हो सके आप रिलैक्स करो ताकि क्वालिटी जो है इसका वो अच्छा दिखे। अभी मैं एक बार F4 अगर हटा दूं तो ये देखो ऐसा कुछ देख सकते हो पहले यहाँ पे ऐसा कुछ हार्ड आ रहा था रिलैक्स करने के बाद ये स्मूथ हो गया। अब इस पे मैं फिर से जाऊंगा वर्टेक्स और अभी इसी में इसके अंदर मुझे अगर सिलेक्शन फिर से लेना है वर्टेक्स और वर्टेक्स के बाद यहाँ पे आना है स्प्रे एंड देन थोड़ा सा जैसे कुछ एरिया में ऐसा कुछ सिलेक्शन को थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसा कुछ एंड ये रहा मेरा एडिट पॉली सॉफ्ट सिलेक्शन। सॉफ्ट सिलेक्शन में जैसे कि अभी मैं बता रहा था यहाँ पे फॉलो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड यहाँ पे शिफ्ट के साथ में मुझे अगर ऐड करना हो अभी मैं क्लिक करूँ तो एक ही जगह कहीं पे हो सकता है लेकिन अभी मैं यहाँ एंड फिर से हटा के मैं शिफ्ट के साथ यहाँ फिर छोड़ दिया फिर यहाँ पे तो ऐसा कुछ करके
शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ मैं कर सकता हूं। आप चाहो इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है ऐसा कुछ, ये चीजें ये देखो ऐसा कुछ, तो ये चीजें आप कर सकते हो। और भी ज्यादा काम करना है, सिलेक्शन लेना है आपको, सर बस थोड़ा सा आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेके भी थोड़ा सा ऐसा कुछ आप सॉफ्टनेस के साथ थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हो। जैसे मैं पूरा ऐसा सिलेक्शन लिया, हल्का नीचे करना है इसे मुझे, तो आप इसे मूव कर करके ऐसा कुछ, यहाँ पे भी मैं ऐसा कुछ सिलेक्शन लूंगा, मुझे लगता है थोड़ा ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड देन आपका रिलैक्स तो है ही, जिसके थ्रू आप रिलैक्स करने के लिए उसको ऐसा कुछ ऐसा कुछ हो गया। फिर से आप पूरे को ऐसा सेलेक्ट करोगे, पूरे को यहाँ से आप जाओगे स्प्रे से हटने के बाद पूरे को सेलेक्ट करोगे, एंड जो बाहर का एज है उसे आप पहले डीसेलेक्ट कर दोगे, फिर से बाहर के वर्टेक्स को जो ऑरेंज आपको दिख भी रहा होगा होता हुआ, अल्ट के साथ आप इसको डीसेलेक्ट करोगे। डी सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप ज्योमेट्री पे और इसको ऐसा कुछ रिलैक्स, ये देखो ऐसा कुछ आप थोड़ा सा रिलैक्स कर दोगे तो वो देखने में सही लगेगा। फिर से आप इधर आओगे तो अब देखो ये इसके बीच में जो गड्ढे भी आ गए और वो अच्छा भी हो गया, स्मूथ भी हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे ऐसा कुछ पे क्लिक करूँ कंट्रोल क्यू, ये देखो ऐसा कुछ अब, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें टेक्सचरिंग भी बताऊंगा। तो इस तरह से अभी और भी काम हो सकता है इस पर, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं चाहूँ अगर इसे ऐसा खोल के ऊपर नीचे कर सकता हूँ, बट नहीं, ठीक है अभी फिलहाल ये चीज। तो आपको ऐसा कुछ, अभी थोड़ा सा मैं इससे बाहर आता हूँ, ये आपने ऐसा कुछ बनाया। अब इसमें और भी चीजें अगर ऐड करनी हो जैसे कि आपको, तो स्टैंडर्ड है इसके से बाहर, एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है इसमें, हेडरा है, ये सब चीजें हैं। इसको आप छोटी छोटी चीजें बना के ऐड कर सकते हो, जैसे ये हेडरा से मैंने ऐसा कुछ बनाया, इसमें आप ये ऐसा कुछ इसको शेप दे सकते हो। डॉग्स है स्टार बनाने के लिए, आपको किस तरह का क्या बनाना है डिपेंड करता है। तो ये चीजें बनाकर आप इसमें, जैसे कि गोल्ड में छोटी छोटी चीजें पड़ी होती हैं, तो नीचे आपको बेस टेक्सचर इस पे दोगे, इसके ऊपर थोड़ा सा 3D जैसे निकला हो एक दो आइटम वैसा कुछ आप लगा सकते हो। इसको स्केल करके आप ऐसा कुछ छोटा भी कर सकते हो, एंड देन आप ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो इसमें कि हाँ इसमें कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है आइटम्स वोल्ट के। तो ये रहा, एंड आप देख सकते हो ऐसा कुछ रखना है, कौन सा आपको बेटर लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, तो वो चीज। तो फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कुछ आप डाल सकते हो। थोड़ा सा और इसे थोड़ा छोटा कर दोगे, और इसमें ऐसा कुछ डला हुआ है, और दो तीन आप कर सकते, जितना चाहो कॉपी करके दिखा सकते हो कि इधर इसमें इधर उधर ये चीजें डली हुई है, ठीक है। तो एक तो ये है, बाकी आप और भी चीजें कर सकते हो इसी में, जैसे यहां से आप ऐसा कुछ बना सकते हो, ये लिया इसको ऊपर एक्सट्रूड किया फिर क्लिक किया, और आप F4 के थ्रू देख भी सकते हो वर्टेक्स, और इसको ऐसा कुछ ये है। देन आप इसको कन्वर्ट टू यहां से पॉली, कन्वर्ट टू पॉली करने के बाद पूरे को ऐसा कुछ वर्टेक्स पे नीचे को आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, ये रहा आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे ऐसा कुछ, तो आप डायमंड भी बना सकते हो इसके थ्रू ऐसा कुछ। डायमंड बनाने के लिए ये रहा, पूरे को ऐसा करके आप इसको कोलैप्स कर सकते हो, कोलैप्स ये रहा। तो अभी देखो ये एक हो गया, इतने सारे वर्टेक्स सिंगल हो गए, तो इस तरह से आप कोलैप्स भी कर सकते हो। ऊपर की तरफ ये हमने निकाल दिया, ये है थोड़ा आपको अंदर चाहिए ऐसा कुछ करो, ये है। अभी इसी में आपको और ज़्यादा इसके अंदर एज एक ऐड करना है, तो आप यहाँ वर्टेक्स पे एज पे जाओ ऐसा कुछ, यहाँ पे आप
कनेक्ट में जा करके एक ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो। तो ये चीजें डिपेंड करता है आपको किस तरह का बनाना है। अभी फिलहाल एक बेसिक ऐसा कुछ थोड़ा सा इसे नीचे करना है ऐसा कुछ, तो ये आपका डायमंड बन के रेडी हो गया। आपको चाहिए इसको ऐड करना है यहाँ पे, तो आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा स्केल भी कर दो इसे ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये रहा ऐसा कुछ, आप स्केल करके लगा दो ये रहा। तो इस तरह से आप इस तरह की चीजें इसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो बाकी आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी को, जैसे इस पे टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है, मटेरियल एडिटर का कैसे यूज करना है, इन चीजों को नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इन चीजों को। अभी इसको ऐसा सीधा एक तो आप ऐसा रख सकते हो, दूसरा इसी को, जैसा कि एक तो हम हर चीज सीधा होगा नहीं, तो अब इसी को कैसे एंगल में रखना है वो आपको, जैसे किसी चीज कहीं पे ऐसे गिरा हुआ है, कहीं पे ये थोड़ा सा इस तरह से एंगल्स में, एंगल में ऐसे गिरे हुए रखे हुए हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है। ये सब आपको डिसाइड करना है किस तरह से आपको शो करना है चीजों को इसमें। तो और भी चीजें ऐड करेंगे एंड टेक्सचरिंग करेंगे इसका, कैसे टेक्सचर का यूज करना है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपको साइड व्यू में जाकर के ये चीजें सेट करना पड़ता है। अब देखो हाँ ऐसा कुछ ये ठीक लगेगा देखने में। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आपको चीजों को ऐड करोगे इसमें। इसमें हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे, F4 अगर फिर से क्लिक कर दे तो ऐसा कुछ ये लाइंस हट जाएगा और ऐसा कुछ आपका दिखेगा। एंड अभी जैसे मैंने लिंक किया था लास्ट क्लास में, मैंने लिंक भी बताया था, तो बाकी चीजों को हमने लिंक कर रखा था, बट अभी इनको लिंक नहीं किया है। तो इसमें प्रेजेंट पेरेंट्स एंड चाइल्ड, पेरेंट्स एंड चाइल्ड का जो फॉर्मूला हमने बताया था कि ये पेरेंट्स है बाकी सब उसके चाइल्ड है, जैसे जिसमें कि ये आप ऐसे कुछ मूव कर सकते हो, ये सिंगल मूव कर सकते हो, इसका पेरेंट ये है तो इसके साथ ऊपर का ये जाएगा, ये सबका पेरेंट है तो ये इसके साथ सब कुछ जाएगा। बट अभी जो हमने बनाया है उसे भी हमें पेरेंट एंड चाइल्ड करना होगा। तो अभी सबका पेरेंट जो है वो नीचे वाले इस बॉक्स को बनाता है, हमने बनाया है, तो इस प्लेन को भी हमें उसके साथ लिंक करना होगा पेरेंट के साथ। तो यहाँ पे ये लिंक वाले पे जाएंगे और इसको इसके साथ ऐसा कुछ लिंक कर देंगे। अब जब जैसे ही हमने लिंक कर दिया तो इस बॉक्स को जब हम अब मूव करेंगे तो ये प्लेन जो हमने इसके अंदर ये जिसपे अभी टेक्सचर अप्लाई करना है गोल्ड वाला, वो भी ऐसा कुछ मूव होगा। एंड बाकी की चीजें जो ये छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम प्लेन के साथ चाहे तो प्लेन को उसका पेरेंट बना सकते हैं। तो फिर से इस पे जाना है, यहां से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ पे इन सभी को एक दूसरे से इस तरह से लिंक कर सकते हैं ग्रुप के साथ। ये लिंक वाला ऑप्शन अभी मैं नया बता रहा हूँ, और इसके बाद सबको इसको इसके और देन इन सबको मिलके यहाँ पे प्लेन के साथ। अब क्या होगा जैसे ही आप प्लेन को मूव करोगे, तो देखो प्लेन के साथ बाकी के सभी जा रहे हैं, प्लेन के साथ सभी जा रहे हैं। और जब ये नीचे जो इसको मैं मूव करूंगा तो A to Z चीजें इसके, क्योंकि सबका पेरेंट है ये, बाकी सब इसके चाइल्ड है। ये जैसे कि यहाँ पे ये छोटी छोटी क्वाइंस है, ये प्लेन का चाइल्ड है। इसी तरह ये नीचे वाले बॉक्स का सारे कुछ चाइल्ड है। और तो इस तरह से पेरेंट एंड चाइल्ड हमने ऐसा कुछ लिंक कर दिया। अब ऐसा कुछ हम इसमें क्या होता है कि ये एनिमेशन में ज्यादा हेल्पफुल होता है ऐसा कुछ। आप इसको मूव करके भी कहीं ले जा सकते हो, और आपका जो एनिमेशन अगर इस तरह का बंद होता हुआ एनिमेशन आपको बनाना है कि ये ऐसा कुछ कवर होता हुआ चीजें, तो ये चीज भी आपका काम आ रहा होता है। तो ये वहां पे ये पेरेंट एंड चाइल्ड ये चीज काम आता है आपका। इस तरह से आप लिंक कर दो। अनलिंक करने के लिए ये बटन है अनलिंक सेलेक्शन, यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अगर इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ, अभी मैं एक बार कंट्रोल S सेव मार देता हूँ एंड देन अभी मैं जैसे मुझे अनलिंक करना है तो मैं इस पे क्लिक करूँ, ये रहा सारा कुछ अनलिंक हो गया। अब अगर मैं इसे मूव करता हूँ इस पे क्लिक करके, अगर मैं ऐसा कुछ अनलिंक करूं तो ये ऐसा कुछ सिंगल जाएगा, ये तो सिंगल जाएगा ही। और जैसे कि अभी इसके साथ ये पेरेंट है एंड ऊपर वाला ये भी सिंगल, अब ऐसा कुछ मूव होने लगा तो ये इसके साथ, ये ऊपर वाला अटैच था जो कि अब नहीं जा रहा है, इसके साथ भी अब लिंक अनलिंक हो रहा है। इसको मैं ऐसा कुछ अनलिंक करूं, अनलिंक हो गया, बाकी की चीजें अभी जा रही हैं। तो यहाँ प्लेन को अगर आप पकड़ के ऐसा कुछ अनलिंक कर देते हो तो ये नीचे का बॉक्स अब मूव नहीं, प्लेन नहीं जाएगा। तो ये बाकी अनलिंक करने के लिए ये बटन है। तो इस तरह से आपको लिंक अनलिंक करोगे, चीजों को बनाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्सचरिंग का यूज करेंगे कि इन पे टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है गोल्ड वगैरह का, मटेरियल एडिटर को हम और अच्छे से समझेंगे।
कि कैसे अप्लाई करना है, इसके थ्रू शेडिंग कैसे करते हैं, टेक्सचरिंग कैसे करते हैं, इसके बेसिक्स किसका हम बताएंगे आपको, और उसके कुछ नए चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। फिलहाल यहाँ पे जैसा कभी कुछ अब ऐसा कुछ आए तो वेट पे क्लिक करना है, क्लोज नहीं करना है। फिर से हमारा फाइल आ गया, हमें मिल गया। तो ये चीज़ है। अगर बाकी की क्लासेस देखनी है जो अभी तक 2021 का जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ आज आइकन पे जो लिंक आ रहा है यहाँ से आप जा करके देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करो, यहाँ पे चैनल पे जा करके यहाँ से सब्सक्राइब करो। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। एंड किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो कॉमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, जल्द ही आपको मिलेगा। थैंक यू।